हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी आए हैं और आज हम लोग चलेंगे मैट्रेस लेने, अपने बेड का गद्दा। तो उसी लिए इसका मेजरमेंट ले रहे हैं, नाप रहे हैं कि कितना फिट का है। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ और चलेंगे मार्केट। बेड आया था लेकिन गद्दा नहीं आया था। सोचा था मैंने कि बाद ही में लूँगी, लेकिन अच्छा क्वालिटी वाला लूँगी। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में कैसा मिलता है। बेड तो 6 महीने पहले ही आया है, लेकिन गद्दा की अब बारी है। तो मैंने सोचा चलो दिवाली पे एक नई चीज़ ले लेते हैं, गद्दा ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग मार्केट में। और घर पे रहो तो एकदम शांत शांत वातावरण रहता है, और बाहर आओ तो पता चलता है दुनिया में कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी हलचल है। चादर तो हाँ, ये सब ऑफर में है। अभी देखिए कुछ दिन बाद हट जाएगा, ये हम लोग नहीं करते। ये देखिए सब 1600 रुपए का एक चादर बेडशीट। तो फ्रेंड्स, मैंने यही वाला गद्दा पसंद किया, स्लीपवेल का है, फिटरेस्ट क्लासिक फिटरेस्ट। गद्दे तो बहुत सारे थे, सबकी अलग अलग क्वालिटी थी, अलग अलग रेंज थी, और हमें अपने बजट में ही लेना था। और यहाँ पे वो जो रेड वाला है उसकी 3 साल वारंटी थी और उसकी मोटाई थी 4 इंच, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। गद्दा ऐसे थोड़ा ना ज़्यादा स्पंजी हो ना ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम में हो। तो मैंने यही क्रीम कलर वाला सेलेक्ट किया है। और 2 तकिए इसमें फ्री थे, एक बेडशीट, तो मैंने तकिया भी ले लिया और बेडशीट भी। बेडशीट का कलर थोड़ा डल डल था, उसी में से मैंने एक चूज किया जो मुझे ठीक लगा। और यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर थे, सोफा ओफा काउच, बड़ा अच्छा लग रहा था। अब बेड आ गया, गद्दा आ गया, सब कुछ आ ही गया है। अब बस सोफे की बारी है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बार सोफा आएगा। मैंने देख लिया, थोड़ा सा रेंज भी ले लिया, रेट क्या है कैसा है। फिलहाल तो अभी बस केवल बेड का मैट्रेस ही लेके चल रही हूँ। और लोगों की पैकिंग हो रही है गद्दे की, अब इन लोगों की हो जाएगी तब फिर मेरी होगी। और मैंने एक गद्दा लिया है, मतलब 6x6.5 फुट का एक ही मैट्रेस, 3x6 का 2 पीस नहीं, क्योंकि बीच में जोड़ आ जाता है तो फिर सोने में अच्छा नहीं लगता, बीच में मुझे ही सोना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक ही लिया है। भले ही कभी कभार बेड खोलने में दिक्कत होगी, लेकिन जोड़ पे तो नहीं सोना पड़ेगा। और उतना ज्यादा भारी भी नहीं था, बहुत सारे मैंने गद्दे देखे और गद्दे तो बहुत ही ज्यादा भारी। ओकर नंबर उम्बर ले तो मैट्रेस लेकर डिलीवरी बॉय चल चुका है, और अब हम लोग भी आ गए हैं घर। और यहाँ पर वो भी पहुंच गया, आधे घंटे का टाइम लगा है भैया को आने में, क्योंकि ठेले से आए थे सगड़ी से। और इसी में तकिया भी रखा है, 2 तकिया हम लोग लिए थे और 2 फ्री में था, क्योंकि कभी कभार गेस्ट आ जाते हैं तो फिर तकिए की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए गए थे मार्केट तो 2 एक्स्ट्रा में ले लिए। और देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं उनका रस्सी खोलने में। मेरे हस्बैंड जी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, लोगों की मदद कर देते हैं। और शाम का टाइम हो गया है, शाम को तो हम लोग गए ही थे 3-4 बजे, आते आते 6-7 बज ही गए हैं। और यहाँ पर देखिए यही येल्लो कलर का बेडशीट मैं ली हूँ, इस पर रेट लिखा है 1499। लग रहा है कि ये 1500 की बेडशीट है, 300-400 लायक है, लेकिन ये है कॉटन है। और देखिए अब यहाँ पर बेड का मैं गद्दा पहले वाला हटा दूँ, और ये जो बलून दिख रहा है ये विजयदशमी का मेला का ही बलून है, 8-10 दिन हो गए लेकिन अभी तक ये फूटा नहीं है, ऐसे ही रखा है मेरे बेडरूम में। और यहाँ पर मैं चादर वादर हटा दूँ, और ये जो पिंक वाली चादर है ये मैंने लिया था जलान से, ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मेरा
पिंक कलर और रेड कलर दो कलर मेरे बहुत फेवरेट हैं। मैं अपने रूम में पिंक कलर का कर्टेन भी लगाई हूँ, पर्दा भी, कोई चीज़ भी लेती भी हूँ तो पिंक कलर ही लेती हूँ। और यहाँ पर एक गद्दा मैंने हटा दिया, अब एक और गद्दे हटा दूँ। बाहर अभी गद्दे उद्दे खोल रहे हैं लाने के लिए, तब तक मैं अपना बेडरूम में को खाली कर दूँ, तभी तो आकर के बिछेगा। थोड़ा पोछ उछ दूँ, ज़्यादा धूल नहीं रहती लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो आ ही जाती है। चलो ये भी पिल्लो रखा है। और यहाँ पर देखिए बेटा तकिया कवर लेके, तकिया लेके रख रहा है। तो यहाँ पर बेडरूम में आ गया है और ये एकदम पैक्ड था। जो हम लोगों को दिखाए थे वो तो बस दिखाने के लिए होता है, लेकिन सेम टू सेम अलग पीस पैक्ड ही रखा रहता है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा प्लास्टिक इसका हटाएंगे कट टूट करके। ये बोरा जैसा प्लास्टिक लगा हुआ था तो उसको कैची कैची काट दे रहे हैं। और फिर इसके अंदर फिर एक और पन्नी है, उसको भी काटेंगे। और हम लोगों ने जो लिया है वो गद्दा 5 इंच का है, स्लीपवेल कंपनी का। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितने का है। जितने भी लोग मेरा वीडियो देखें प्लीज़ आप लोग अनुमान लगा के कमेंट में बताइएगा कि कितने का है। आज मैं रेट नहीं बताऊंगी, फिर मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन आज खुद से ही आप लोग आइडिया लगाइएगा कि स्लीपवेल का 5 इंच का गद्दा कितने का है। और ये वो है क्या बोलते हैं, फिटरेस्ट क्लासिक। और वो लोग कई दुकान हम लोग गए तो कोई लोग बता रहे थे आर्थोपेट वाला और नीलकमल, जिंदल, मतलब बहुत सारे ब्रांड कंपनियां थी और सबका अलग अलग रेट, अलग अलग रेंज, अलग अलग क्वालिटी। और एक गद्दा था जो दोनों साइड सो सकते हैं ठंडी और गर्मी। और कोई कोई तो स्प्रिंग वाला गद्दा था, बोल रहे थे होटलों में रहता है। तो ये मीडियम है ना, ज़्यादा स्पंजी है ना ज़्यादा हार्ड है, मीडियम में है, अच्छा है। ज़्यादा स्पंजी जो रहता है उससे कमर दुखने का रहता है, कमर दर्द, बैक पेन होना, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पंजी भी नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक ठाक है। अब सोएंगे तो पता चलेगा ना कि कैसा फील है इसका। और ये एक ही है, थोड़ा इधर उधर करने में दिक्कत हो रही है, बेड का बॉक्स उक्स खोलने में भी दिक्कत होगी।
लेकिन क्या हुआ, दिक्कत होगी, लेकिन सोने में तो नहीं दिक्कत होगी, नहीं तो बीच में जोड़ पे ही सोना पड़ता है। और इसका नाप एकदम सही है, हम लोग जितना लेके गए थे 72x75 इंच वही सेम टू सेम आया है और एकदम साइज का है। तो यहाँ पर बिछ चुका है, पन्नी सही थी लेकिन फिर मैं पन्नी इसको हटवाई क्योंकि ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था पन्नी जैसा, तो फिर से इसको निकाल के फिर इसका पन्नी फाड़ के हटाएं। और यहाँ पर देखिए मेरे बाल वाल कैसे हो गए, क्योंकि अभी मैं भी मार्केट से आई हूँ और कितना शहर में सिटी में इतना धूल गर्दा डस्टिंग रहता है कि पूछिए मत। और आते ही तुरंत बस चाय पानी बनाने में लग गई, चूरा उरा मटर बनाई हूँ कि सब लोग आएंगे तो खाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए पन्नी उन्नी निकल गया है और गद्दा फिर से बिछ गया, अब इसको सजाने की बारी मेरी है, दिवाली आ गई है तो घर की साफ़ सफाई तो हो ही रही है। अब बेडरूम में मैट्रेस भी आ गया तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता लेकर के आ गई हूँ अंकल जी का, तो वो लोग अपना खा पी रहे हैं हस्बैंड जी और बच्चे, क्योंकि आते ही मैं फिर चूरा मटर बनाई, चाय बनाई, क्योंकि वो लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम लगता उनको भैया को लाने में क्योंकि वो। तो फ्रेंड्स चलिए बेडशीट बिछा लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। बड़ा शौक था मुझे बेड का और गद्दे का, शादी में मिला था लेकिन वो घर पे है, यहाँ पे तो जब से हम लोग बनारस आए थे चौकी पर ही सोते थे, फिर धीरे धीरे घर बना, मैट बेड आया फिर गद्दे आया। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एक एक न एक एक चीज़ आती ही रहेगी धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा सब्र रखना चाहिए, जब जिसका समय आएगा जिस चीज़ का संजोग रहेगा वो चीज़ खरीदा जाएगा। और मेरे अंदर तो बहुत संतोष है, ये नहीं कि ये चीज़ मुझे अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए, मेरे अंदर बहुत संतोष है, ये लगता है कि हाँ चलो आ जाएगा धीरे धीरे, कोई चीज़ सोचती हूँ लेकिन ये नहीं होता कि नहीं तुरंत ले ही लो, धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब देखिए अगर उसी वक्त गद्दे ले लेती बेड के साथ ही तो या तो फिर वो ले लेती, मतलब कम वाला ले लेती कोई अलग ही कंपनी, क्योंकि एक ही साथ दो दो चीज़ लेने में ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार बेड लेते हैं तो एक बार गद्दे लेंगे ऐसे ऐसे करके। और अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ें आ गई हैं, चलो मेरा एक और शौक पूरा हो गया। और इंसान की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सारी इच्छा नहीं पूरी होती, जितना रहता है उतना ही पूरा होता है। तो फ्रेंड्स मेरा बेडरूम एकदम से रेडी हो चुका है और अब केवल दिवाली के डेकोरेशन बाकी है, तो घर वर सजा के मैं आप लोगों को वीडियो डालूंगी। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स दिवाली का ये रहा गिफ्ट मेरे हस्बैंड जी का मेरे लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।